झुक हो गई, जुकाम हो गई, मच्छर कद्दू गल गए, है ना? दो तीन जाओ जाओ नानी के। गुरु जा रहा है भैया, गुरु जा रहा है, जा माँ भी जा रही है। माँ अब इधर को देख, ले यार बना ले, खुल दम गाड़ी में चली जाएगी, तो गाड़ी में आएगी, गाड़ी में आ जाएगी, माँ छोड़ दी घर पे, है ना? तो ना कोई छोड़ घर पे, सब छोड़ जा रहे हो। मियाँ हुई नानी से मिलने जा रही है, हैं? हारून नहीं मान रहा, हारून कह मैं लेके जाऊंगा, माँ को लेके जाएगा। लो ये दाना। न सुन है जहां म्याऊं म्याऊं गई, म्याऊं बाय। सो गाइस अभी हो गया है शाम का टाइम और भैया और भाभी चले गए हैं, मतलब भाभी गई है अपने मायके और भैया ससुराल। जी हाँ, हारून भी गया है साथ में ही, तो और साथ में चली गई है बिल्ली हमारी, तो उसको हमें कहीं और छोड़ना है, तो इसलिए जो है उसको भी भेज दिया है पापा ने। वापस आ जाएगी वो, लेकिन कुछ टाइम के लिए भी छोड़ा है, और बस अभी वो चल। हाँ बेटा ठंडा हो जाने दो, सोना भूख लग ली है ना मेरी बेटी को। तो बस भाभी के जाने के बाद फिर हम लोगों ने जो है खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है फिर मैं सो गई थी। मुझे इतनी तेज़ नींद आई ना कि फिर मैं ना सो गई थी, एक घंटा मैं सो ली और फौरन तो टीवी देख रही थी अपनी, वो नहीं सोई है मेरे साथ। तो बस अभी शाम हो चुकी है और बस मैं भी आई हूँ, आगे पुट्टी वगैरह का काम चल रहा है तो वही देखने के लिए गई हुई थी, क्योंकि कल जो है पुट्टी का काम ख़त्म हो जाएगा उन लोगों का, तो आज थोड़ा बहुत जो काम रह गया वो कर रहे हैं, और फिर हल्की फुल्की जो टचिंग रह जाएगी जो हम लोग को बाद में दिखेगी, तो फिर हम उनको जो है कल बुला लेंगे। तो ऐसा है, सो अभी वो चल रहा है। आज तो फिर भी ये इतने लेट तक लगे हुए हैं, वरना वो 5 बजे तक तो चले ही जाते हैं, और अब 6 बज चुके हैं, तो अभी भी फ़िलहाल वो लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, ये मुझे बात नहीं करने देती यार, गरम है ना, ठंडा हो रहा है वो। तो बस अभी मैं बना रही हूँ मटन, तो मैं भुजमा मटन बना रही हूँ, तो यहाँ पर बस मैंने अभी बनाने के लिए रख दिया है, इसमें सारे गरम मसाले वगैरह डाल करके अभी सिर्फ गोश्त डाला है, और ये यहाँ पर मैंने प्याज अदरक और लहसुन और गरम मसाले का पेस्ट बना लिया है, तो ये इसके अंदर डाल दूँगी, हल्का सा पानी सूख जाए तब, क्योंकि मटन जो है ना ऑयल में डलने के बाद पानी छोड़ता है, तो पानी इसका सुखाना है, उसके बाद हमें ये पेस्ट डालना है इसके अंदर। और यहाँ पर देखो दाल भी बॉईल हो चुकी है, और अब मैं इसको ऊपर फैलाने के लिए जाऊँगी, और अब इसका पानी अच्छे से सूख गया, तो इसके अंदर मैं डालती हूँ ये पेस्ट। इसमें काफ़ी सारा पेस्ट बच गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हिलाकर इसको भी डाल देते हैं। अभी भी रह गया, इसमें और डालूंगी मैं। तो गाइस आगे अंकल लोगों का काम चल रहा है, और मैं ये सोच रही थी कि ना मैं कमरों की साफ़ सफाई स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आगे का काम अभी ख़त्म हो जाएगा, वो नीचे पॉलिश वगैरह कर देंगे, क्योंकि अभी तो जो पेंट करके गए ना उसको ही छुटाने में लगे हुए हैं। तो हुआ ऐसा कि ना
जिन ठेकेदार से हमने बात करी थी तो वो बोल रहे थे कि हाँ मैं करवा दूंगा साफ़ सफाई, ठीक है, ग्रेनाइट वाले ठेकेदार से। और पेंट वाला का रहा कि नहीं, हम लोग साफ़ सफाई नहीं करके देते हैं, हम ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। तो जब मैंने फ़ोन करके, मतलब इनसे ही बोला था मैंने कि ना उनसे फ़ोन करके पूछो कि वो साफ़ सफाई कर सकते हैं या नहीं, नहीं तो फिर मैं इनको ही थोड़ा सा फोर्स करूँ भैया लोगों को, पेंट वालों को, कि ये ही साफ़ करके दे मुझे। लेकिन हुआ ऐसा कि ना उन्होंने फ़ोन पे कह दिया कि नहीं मैं साफ़ कर दूँगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो छोड़ के चले गए पेंट वाले, तो अब वो नाराज़ हो रहे हैं कि तुमने साफ़ सफाई क्यों नहीं करवाई। तो ये देखो ये ऐसा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं ना ये लोग, कुछ पूछो मत। पहले हाँ बोल देते हैं फिर मना करते हैं कि इतना ज़्यादा पेंट हो गया है, पूरा सब कुछ गंदा हो गया है, ये हम नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। लेकिन अभी ठेकेदार से बात कर ली है हम लोगों ने, तो अब वो अंकल लोग छुटाने के लिए लगे हुए हैं, तो वही साफ़ सफाई करके देंगे हमें। तो ऐसा है, मतलब जब भी घर बनवाओ ना इतनी ज़्यादा मूड पच्ची करनी पड़ती है लोगों से, चैट चैट के करवाना पड़ता है कुछ कुछ काम, तो है ना ना, वरना तो ये लोग ना ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और कहीं हमारे यहाँ ना लाइट भी चली गई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ कुछ थोड़े से काम और रह गए, जैसे कि हमें ग्रेनाइट का बाथरूम में वो लगवाना है, सेल्फ, दो सेल्फ लगवानी है, लेकिन लाइट नहीं है तो उसकी वजह से बैठे हुए हैं वो लोग, अभी साफ़ सफाई में ही लगे हुए हैं, तो वो आ जाएगी तब जाके लगाएंगे। और भाई हमारे घर को लेकर के काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं जो कि हम लोग बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं कि चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्योंकि हम खुद फंसे हुए हैं, उसका जवाब हमारे पास खुद नहीं है। और हम, मैं पहले भी दे चुकी हूँ इस चीज़ का जवाब, लेकिन फिर भी लोग बाग जो है ना वही पता नहीं कहाँ से इतना सारा दिमाग लगाते हैं ना, सच में बताऊँ। क्यों, आप क्या कहना चाहोगे कि घर क्यों नहीं जा रहे हैं हम, अपना घर क्यों नहीं बनवा रहे हैं? अभी फ्लोर का काम रह गया है, इस चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ठेकेदार अभी हमारा कहीं और बिजी है। दिवाली के टाइम पे सब बिजी और फिर मिट्टी का भराव जो करवाया था, हमने सोचा था थोड़ा बैठ जाए, क्योंकि एकदम फ्लोर लगवाना सही नहीं रहता है, तो जब तक वो बैठ नहीं जाती है, नहीं फिर बाद में टायर्स चटक जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, वो दिक्कतें आ जाती हैं। तब तो मिट्टी बैठ गई है, बस अब तो बेस बनना है, उसके बाद टायर्स लगेंगे, फिर इंशाल्लाह जल्द से जल्द सेट होंगे। अरे पहले हमने क्या सोचा था कि मिट्टी एकदम अच्छे से बैठ गई, लेकिन दोबारा से जब बारिश हुई थी ना उस टाइम पे दोबारा से वो धस गई पूरी, तो ये चीज़ हमें नहीं पता थी। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए ना बारिश के बाद, तो अरे ये तो फिर से धसक गई, तो ये अच्छी बात है कि ये पहले से ही पता चल गई कि फ्लोर लगने से पहले ही बना, बाद में इतना नुकसान होता है। आगे साइड हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पीछे साइड जो कमरे हैं ना हमारे, तो पीछे हमारे घर के खेत है, तो वहाँ की सीलन ज़्यादा आ रही, तो उससे और ज़्यादा धस रही है मिट्टी। तो हम ये कह रहे हैं कि अब मिट्टी धस रही तो और उसको अच्छे से धसने देते हैं, ताकि ना जो टाइल या ग्रेनाइट जो भी लगेंगे तो नुकसान नहीं होगा हमारा बाद में, है ना। तो यही सारी चीज़ों की वजह से वो रुका हुआ है, और ठेकेदार को अभी टाइम नहीं है, वो भी कहीं दूसरी साइड पर लगे हुए हैं, तो वो ये काम करवा नहीं पा रहे हमारा। वो ये बोल रहे दिवाली के बाद देखेंगे, यही बात है। और क्या, यही कड़वा सच है, ये मीठा सच है, कुछ भी कहते। अब फिर से लोग बोलेंगे सफाई देने आ गई अपने पति को लेकर, तो सफाई देनी पड़ती है भाई, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पर है ना, हमें वहाँ पे हर एक चीज़ की सफाई देनी पड़ती है। और साफ सफाई जरूरी है, साफ सफाई करते रहना। आप हर चीज़ मजाक में लेके जा रहे हैं। ये नहीं, हमारे व्यूअर्स का कहना है कि सफाई देने आ जाती है अपने पति को लेकर, तो हर चीज़ क्लियर करना जरूरी है ना, किसी को अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। अपन कोई चीज़ दिखा रहे हैं, अगर किसी को उस पर डाउट है तो अपन उसको क्लियर करना चाहिए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो लोग बाग हो चाहे जितनी सफाई दे, तो नेगेटिव अगर जिनकी सोच होगी ना वो नेगेटिव ही कहेंगे आसपास के लोग। कोशिश तो करते ही है, कर देंगे। अब कुछ होती है देखो, 100 में से एक दो लोग तो होते ही हर जगह, चाहे परिवार में देख लो, चाहे दोस्तों में देख लो, चाहे कहीं ना कहीं, तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा जलते हैं कुड़ते हैं, सही होता है हर लाइन में आपको नहीं। इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि तुम इस प्लेटफॉर्म पर हो सोशल मीडिया के, तो तुमको सुननी पड़ेगी। तो क्यों सुननी पड़ेगी भाई, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो बात है, तो सबका अपना अपना चॉइस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिसको बस वही है ना कि आप लोग बोलते हो कि इग्नोर करो, अब इग्नोर करो, यार इग्नोर नहीं होता है ये चीज़ें। खैर चलो, ये तो ये वाली सारी बातें, और आप लोगों को पता चल गया कि किस वजह से हमारा घर का काम अभी रुका हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, पता ये डेली जा रहे हैं कहीं दूसरा मुझे कुछ मिल जाए ठेकेदार अच्छा, जो कि मेरा काम करवा सके, डेली परेशान हो रहे हैं।
लेकिन फिर भी अभी ना छोटे मोटे काम वो लोग नहीं लेते हैं जैसे बड़े बड़े ठेके लेते हैं। अभी तो अभी दीपावली आ रही तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों के घरों में काम चल रहा है ना, तो इसलिए छोटे मोटे कामों के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं, तो ये दिक्कत और ज़्यादा आ रही है। तो खैर चलो दीपावली के बाद देखते हैं, सोचते हैं वो और वो अंकल क्या कहते हैं हमारे जो पहले जिन्होंने हमारा घर बनाया वो क्या कहते हैं उनका, और देखते हैं क्योंकि उन्होंने भी किसी और से बात की हुई है दूसरे ठेकेदार से, वो शाम तक जवाब देंगे उस चीज़ का, फिर देखते हैं क्या होता है। हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, हम लोग जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नए घर की कुछ अलग ही बात होती है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है। हाँ ये वाला घर भी मेरा ही है लेकिन फिर भी रहता है कि अपना हो। तो आप लोग भी दुआ करो भाई जल्दी से जल्दी हमारा घर बन जाए, हम लोग तो कर ही रहे हैं ताकि हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं। अरे और रोशनी कर दी, आज लाइट नहीं आ रही है ना इस चक्कर मोबाइल की टॉर्च जला के और ज़्यादा रोशनी कर दी। चलो ठीक है एडजस्ट कर लेना आप लोग। और हाँ मुझे ना कमेंट आते हैं कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मैं तो इतनी ज़ोर से बोलती हूँ ना, मुझे तो एकदम क्लियर लगता है कि नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को तक मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ पाती है। खैर मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी भाई कि मैं और तेज़ बोल सकूँ, लेकिन मेरी जितनी आवाज़ है मैं उतना ही बोलती हूँ। तो मेरे दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश किया करें आप बस, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर ना मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, क्योंकि उरैन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ना वीडियो वगैरह बनाने नहीं देते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी देखो उसके पापा चले गए ना तो बहुत ज़्यादा रोने स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाहर ठंड में उसको नहीं जाने दे रहे हो, बाहर गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इसलिए मैं उसको अंदर ही रखी हूँ कमरे में। तो चलिए अब मैं करूँगी अपने आगे रूम वगैरह की साफ़ सफाई, इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।